वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइस। मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग गाइस? सैटरडे है तो मैं मॉर्निंग में वीडियो शूट नहीं की थी, टाइम नहीं मिल पाया था, मैं सोचा अभी शूट कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग गाइस ऑन वेडिंग पे रहेगा। कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, जो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो। और जो भी गाइस नए हो, जो डेली करते हो, अपना अटेंडेंस लगा के जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और एफ बी पे फॉलो कर सकते हो। अच्छे अच्छे रील वहाँ पे आते हैं डेली बेसिस पे, वैसे तो यूट्यूब पे भी आता है बट वो बेस्ट है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ऑनबोर्डिंग अपडेट, कब होगा, क्या डेट है, किस डेट में होगा। तो आज मैं फाइनल वो डेट बताऊंगी कौन से डेट पे ऑनबोर्डिंग का अपडेट आएगा या फिर स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कुछ भी किसी भी साइट से। तो आप लोग जैसे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स भी किए थे, बहुत लोग कह रहे थे कि मैम मेरा जुलाई से पेंडिंग है, अभी तो कोई अपडेट नहीं है। जिनका ट्रेनिंग कम्प्लीट हो गया, जो टेक बी है, जीटी है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है, उनके लिए ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं वो डेट बताती हूँ, बताऊँगी, वीडियो के एंड तक बने रहना, अभी नहीं बताऊँगी। आप लोग स्किप कर देते हो, विदाउट स्किप किए देखना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल ब्लॉग है। जैसे देखो, आप लोग का जिनका जुलाई से, सितंबर से, अगस्त से पेंडिंग पड़ा है ऑनबोर्डिंग, हायरिंग हो गई है बट उसके बाद कोई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, आपकी जॉब कंफर्म नहीं होगी, आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, जॉब नहीं कर सकते हो, सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी आपको तभी मिलेगा जब आप ज्वाइन कर लोगे, ऑनबोर्डिंग कम्प्लीट हो जाती है। तो जो जुलाई सेप्टेम्बर से, उससे पहले से, जून से जो पेंडिंग है, देखो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट हाँ सितंबर के एंड, अक्टूबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ तक मुझे नॉलेज मिली है ये स्टार्ट होगा डेफिनेटली, बट उससे पहले कोई भी अभी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जीटी के लिए है और टेक बी के लिए है। तो उनके लिए मैं सारा अपडेट दूंगी गाइस, पूरे ब्लॉग में बने रहना। और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लो ब्लॉग को और सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि देखो मैं फालतू चीज़ें नहीं शूट कर पाती हूँ, ऑनली वीडियोज़ सिर्फ एसएल से रिलेटेड शूट करती हूँ, ब्लॉग भी डेली नहीं, इसीलिए शूट नहीं करती हूँ ताकि आप लोग का इन्फॉर्मेशन गैप ना हो जाए, बीच में कुछ भी मिस्टेक ना हो जाए। या क्योंकि मैं डेली ब्लॉग डालने लगूँ तो फिर मेरे से ये हो जाएगा, तो मैं डेली सर्च करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, डालती हूँ। और गाइस जॉब के लिए अभी आप लोग कह रहे थे कि मैम जॉब करना है, देखो अभी हायरिंग एसएल में फ्रीज है बट अदर कंपनी में नहीं है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो और वहाँ पर जाके अपना देखो, चेक करो, ऑफिशियल साइट पे सर्च करो, जॉब नाउ ऑफिस 24/7 ऑफिशियल लिंक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे डेली जॉब से अपडेट आता है कौन कौन सी कंपनी में है। तो गाइस कल का ब्लॉग कैसा लगा मेरा? कल ब्लॉग बहुत ही अच्छी और यूज़फुल था इंटरव्यू से रिलेटेड, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। तो चलिए ऑनबोर्डिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो ऑनबोर्डिंग जो फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, जहाँ पे नीड है एक्सपीरियंस वालों का, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट मतलब चल रहा है। और जीटी वालों का, टेकवी वालों का, जो ट्रेनिंग कर रहे थे, अगेन अगेन ट्रेनिंग ही चल रही थी उनकी, उनकी सितंबर एंड 25 या 26 से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कम्प्लीटली बल्क में होना स्टार्ट होगा। उससे अभी तो स्लोली स्लोली प्रोसेस हो रहा है गाइस। और मैं एक चीज़ बता दूँ, एससीएल का कोई भी प्रोसेस फास्ट नहीं होता है। अगर ये सितंबर से स्टार्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सबको एट अ टाइम, सेम टाइम पे मेल आ जाए कि आपका ऑनबोर्डिंग है, आपका ऑनबोर्डिंग, ऐसा नहीं है। वो प्रिफ्रेंस देखते हैं कि स्टार्टिंग किसका है, सबसे पहले कौन ज्वाइन किया, उसके डेट के वाइज ही वो सबको मेल ड्रॉप करेंगे। तो आप लोग जो भी इतने दिन वेट किए हो तो कुछ टाइम और वेट कर लो, सितंबर के 25 के बाद से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगी। और लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस लोकेशन पे होगी, तो सारे लोकेशन पे होगी गाइस, जितनी भी एससील जहाँ जहाँ भी है सब लोकेशन पे होगी। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में और वेट कर लो थोड़ी देर, और ये ऑफिशियल भी अनाउंस हो जाएगा अभी कुछ टाइम में। अभी ये कह रहे थे हम अनाउंस भी करेंगे, तो देखो आ जाएगा, बट अभी ये चीज़ मत लीक करना, आप लोग को मैं बता रही हूँ। सो प्लीज़ ऐसा कहीं भी कुछ भी चीज़ें मत करना। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग मुझे मैसेज करना, कमेंट्स करना, मैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो ट्रेनिंग और टेक भी हैं उनका ट्रेनिंग अब नहीं होगा, रिफ्रेश ट्रेनिंग, क्योंकि अगेन अगेन आप लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, तो आप लोग का ऑनबोर्डिंग डेट आ जाएगा बहुत जल्द, 10 से 15 दिन की टाइम और है, इवन 12 दिन ही है, आज 14 तारीख है, तो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आप लोग को आ जाएगा अपडेट किस डेट पे होगा।
और जो फ्रेशर्स हैं उनकी भी हायरिंग होगी क्योंकि अब इनके पास प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तो टेक भी फ्रेशर सबकी हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर से SCL में। और गाइस एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग चल रही है, इसलिए चल रही है क्योंकि देखो कोई ना कोई आते रहता है, कोई ना कोई जाता है, तो जब कोई जाएगा तो कोई आएगा, तो उस बेसिस पे उसकी हायरिंग ऑलमोस्ट चल ही रही है। तो और हायरिंग मैं आपको बताऊँ मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गई थी, बट स्लो है प्रोसेस, काफ़ी स्लो है। बहुत को मेल आया, बहुत की ज्वाइनिंग भी है सितंबर में अक्टूबर में। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कम्प्लीटली हायरिंग फ्रीज नहीं हो सकती है कोई भी कंपनी में, कम्प्लीटली ये नहीं कर सकते हैं। ये हायरिंग उस बेसिस से फ्रीज करते हैं जहाँ पर इनको मतलब प्रोजेक्ट की नीड नहीं होती, प्रोजेक्ट नहीं है कंपनी में, क्योंकि हर 6 मंथ में प्रोजेक्ट रिन्यू होता है, न्यू प्रोजेक्ट आती है, तो वहाँ पे सिलेक्शन की ज़रूरत है, तो उस सिलेक्शन के लिए ये फिर बल्क में हायरिंग करते हैं। आपको मैं बताऊँ सितंबर के बाद अक्टूबर से जो हायरिंग होगी वो बल्क में होगी कम्प्लीटली। तो मैं आप लोग के साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी, आपको ऑफिशियल साइट भी बता दूँगी कहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होगा मैं आपको वो लोकेशन भी बता दूँगी, और ऑनलाइन होगा तो मैं साइट प्रोवाइड कर दूँगी, ऑफलाइन होगा तो लोकेशन बता दूँगी, सारा अपडेट दूँगी गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग आने वाला है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ कह लो आप, और कुछ नहीं मतलब कंटिन्यू इतना बोलो तो थक जाता है। तो ये जो अपडेट था बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ये बेसिकली जो बेंच पे हैं जो वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को अब वेट नहीं करना पड़ेगा, आप लोग की डेट ऑफ जॉइनिंग बहुत जल्द आ जाएगी और हायरिंग भी स्टार्ट बहुत जल्द हो जाएगा। तो ऑनबोर्डिंग जो अपडेट है गाइस, ऑनबोर्डिंग आपको पता है कि एक दिन का प्रोसेस है, मैं इस पर भी ब्लॉग शूट करूँगी कि ऑनबोर्डिंग में क्या क्या होता है और ये कितने दिन का प्रोसेस है, क्योंकि बहुत लोग पूछे मैम ऑनबोर्डिंग में होता क्या है, कितने दिन का होता है। बहुत लोग कहते हैं 3 दिन का होता है, 4 दिन का, ऐसा कुछ नहीं गाइस, ओनली 1 दिन का होता है। तो वो मैं आपको अपडेट नेक्स्ट वीक में बताऊँगी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। मैं कल शूट करूँगी प्रॉपर बैठ के 2-3-4 ब्लॉग, क्योंकि कल संडे है और मंडे से फिर टाइम नहीं मिलता, तो मैं कल शूट करूँगी प्रॉपर। और गाइस ऐसे ही दिन निकलता जाता है, देखो आज सैटरडे कितना अच्छा रह गया, कितने अच्छे से निकल गया। कल एक दिन है, कल तो मुझे बहुत काम भी है, कल मुझे वीडियो भी शूट करना है, इंस्टाग्राम ऐप भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते हैं गाइस, तो जाके प्लीज़ फॉलो करना और वीडियोज़ को शेयर करना। देखो गाइस मैं जो ब्लॉग में बताती हूँ जो कम्प्लीटली ट्रुथ होता है, ना कोई फालतू बातें इधर उधर की नहीं करती हूँ। मैं पहले जो ब्लॉग शूट करती थी ना तो मुझे मतलब मैं बोलते बोलते भूल जाती, तो मैं इधर उधर की बातें ज्वाइन कर देती थी, बट अब कहते ना करते करते हैबिट हो जाती है, तो वो चीज़ें मेरी कम्प्लीटली हट गई। तो गाइज और कुछ अपडेट रहेगा तो आई विल लेट यू नो। सो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।